हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं एक ही दिन के अंदर 7 कंट्रीज का टूर। अच्छा, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक ही दिन के अंदर 7 अजूबे होते हैं दुनिया में, उसके अंदर हम जाकर दिखाएंगे आपको। और आपको बता दूँ कि यार, मैं जिस दिन कोचिंग से था, जो कोचिंग से सीधे ही वहाँ निकल गया था फ्लाइट के लिए अपने 7 वंडर्स के लिए, तो मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। तो मेरे दोस्त था, उसका मोबाइल था। क्वालिटी और वॉइस में थोड़ी गड़बड़ है। मिलते हैं 7 वंडर्स के अंदर। तो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील के अंदर। तो ये रहा पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ मैं, चारों तरफ कोरा ही कोरा और छातो जुब जाएंगे आज। अच्छा, हमको सिखा दिया है? हाँ, तुमको सिखा रही हूँ। तो अभी चढ़ जा, चढ़ाते हैं गाड़ी को और थोड़ी देर में मिलेंगे आने सागर। अच्छा, तो करते हैं बिना किसी पक्षी के। तो ये गाड़ी स्प्लेंडर का जो लगे भों 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 ठीक है, समरिया समझ गए। तो आने वाली आना सागर चौपाटी, अभी चलता है आना सागर चौपाटी। 1 2 3 जी, आ गए हम वैशाली नगर के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी सुगली झील, जिसके अंदर नल्ले बेरोजगार छपरी की टट्टियाँ पड़ी है इसके अंदर। तो गाइस, ऐसा है कुछ आना सागर। तो गाइस, हमें बहुत देर हो चुकी है, तो अभी मेरी फ्लाइट आने वाली है, तो मैं लंदन के लिए निकलूँगा एफिल टावर देखने के लिए। सही में निकलूँगा गाइस, बहुत देर हो गई है अभी यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी सुगली झील में घूमते हुए। तो अभी टेलीपोर्ट होते हैं सीधा, 1 2 3 लंदन। तो आ गया हूँ लंदन में गाइस, ये रहा एफिल टावर बहुत बड़ा वाला, और टेलीपोर्ट आके आया हूँ सीधा गाइस, ये टेलीपोर्ट होकर आया हूँ इधर पूरी। और मैंने सोचा अलग अलग कंट्री का जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा फ्लाइट का, तो मैंने एक ही जगह के अंदर सारे 7 वंडर्स बना लिए। तो गाइस, इसका राज मैं बता दूँ, ये अजमेर के अंदर वैशाली नगर के अंदर एक नया पार्क बनाया है, जिसके अंदर ताजमहल, मतलब जितने भी 7 वंडर्स है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ब्राज़ील की जो मूर्ति, मेरे को तो नाम ही याद नहीं है 7 वंडर्स के, तो सब एक जगह बनाए हैं। और लोकेशन बता दूँ, वैशाली नगर के अंदर है, तो आप आ सकते हैं इधर घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है। और मुझे तो अच्छा लगा, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, शाम को घूम सकते हैं यहाँ पे। और पीछे के उधर पास में आना सागर चौपाटी भी है, तो उधर घूम सकते हैं। चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ा एक्शन मार लेता हूँ। तो गाइस, चश्मा पहन लिया मैंने, और अभी आपको मैं बता दूँ, तो अब घर के लिए निकलते हैं। अब बहुत देर होगी घूमते हुए, घर वाले और डांटेंगे, साला नल्ला बेरोजगार छपरियों की तरह घूमता रहता साला गधा। तो अभी यहाँ पे ये मेरे फ्रेंड्स मुँह छुपा रहे हैं इधर, तो कुछ ऐसा है, ये ब्राज़ील की मूर्ति भी है यहाँ पे, मेरे को तो नाम ही याद नहीं है इसका। तो अभी घर के लिए निकलते, तब तक के लिए आप लोग लाइक कर देना। नहीं।